अरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी के लेडी स्पेशल टॉक शो के आज के एपिसोड में। आप सभी को मायापुर टीवी की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली पर्व की और कार्तिक मास की। तो पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे वैदिक काल में दिवाली और जो भी त्यौहार हैं, धनतेरस इत्यादि, ये सब किस तरह से मनाए जाते हैं और इनका क्या वैज्ञानिक जो है, क्या इसके पीछे कारण हुआ करते थे ये सब त्यौहार मनाने के लिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सत्र में उसी पर चर्चा करेंगे। और कल है गोवर्धन पूजा, तो उस विषय में और उसके आगे भाई दूज, इन दो त्यौहारों पर भी हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो पिछले सत्र में हमारे साथ जो थर्ड स्पीकर थे उनकी जगह आज हमारे साथ गीत गोविंद माता जी हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ जो स्पीकर थे वही हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी गांधारी माता से। तो गांधारी माता जी से मैं पूछना चाहूँगी कि माता जी, पिछले सत्र में जो हम लोग चर्चा किए थे कि ये जो सब त्यौहार हैं, धनतेरस, काली चौदस और दिवाली, मुख्य रूप से इन तीनों पर हम चर्चा किए थे। इन सब का जो साइंटिफिक रीजंस है, वैज्ञानिक कारण क्या क्या हैं इसके पीछे, हम लोग उस पर चर्चा किए थे। तो आज हम लोग गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले सत्र का कुछ आप यहाँ पर रिवाइंड करना चाहेंगे ताकि लोगों को फिर से याद आ जाए कि हम लोग आखिर क्या चर्चा किए थे। रिकैप। यस, हरे कृष्णा एंड हैप्पी दिवाली सीजन टू एवरीबॉडी। तो ऐसा है ना कि सभी त्यौहार हमारे वैदिक कल्चर में क्या है, इट्स बेस्ड ऑन गॉड, मीन्स कृष्णा और इनका इनकार्नेशन। तो उसका हिंदी में क्या बोलते आप, अवतार? नहीं, बेस्ड ऑन आधार है भगवान के लिए। वहाँ तक के बहुत हमारे पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, किसी को अपना बर्थडे याद नहीं था क्योंकि वो मानते नहीं कि कुछ बड़ी बात है। भगवान का ही बर्थडे, उसका अवतार का ही, तो सभी स्पिरिचुअली बेस्ड है। तो फिर ये मनाने से अपलिफ्टमेंट होता है। जैसे कि हमने दिवाली का तीन महत्व खास बोला, वो क्या है आप श्लोक बोलेंगे, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधाम प्रीतिलक्षणम्। उसका मतलब बोलिए हिंदी में। तो रूप गोस्वामी जैसे कि बताते हैं कि हमें आपस में, भक्तों के समाज में भी और बाहर भी, ददाति प्रतिग्रहणाति, यानी कि हमें उन्हें प्रेम पूर्वक कुछ उपहार देना चाहिए और उनसे प्रेम पूर्वक उपहार स्वीकार भी करने चाहिए। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब उनसे हमें सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए। सीक्रेट मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में ये हुआ, आपकी लाइफ में हुआ, भगवान से जुड़े हुए सीक्रेट्स, कि भगवान की लीलाओं में ये गूढ़ रहस्य हैं, हम उसको शेयर करें और उनसे सुने कि भगवान की लीलाओं में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ये सब चीज़ें हम आपस में, मतलब कुछ कुल मिलाकर के कृष्ण चर्चा, और थोड़ा माइंड भी रिवील कर सकते हैं कॉन्फिडेंट में। हाँ। जो कोई अपना काउंसलर है उससे। हाँ, हाँ, वो भी बड़े है, कोई बुजुर्ग है उससे। हाँ, ताकि हाँ? हम उससे हाँ। अच्छी राय प्राप्त कर सकें। हाँ। और तीसरा भुङ्क्ते भोजयते चैव, जो कि हमारा बहुत मुख्य दिवाली त्योहार की तो खास शान ही है कि हम आपस में जो भेंट देते हैं वो प्रसादम होता है, भगवान को निवेदित प्रसादम होता है, और दूसरों से हम प्रसाद स्वीकार भी करते हैं और घर आना जाना करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं जहाँ पे हम उनको प्रसाद खिलाते हैं, अपने घर से बना कर ले जाते हैं और उनके घर से हम लेकर आते हैं, इस प्रकार से। यस माता जी, तो इसका कारण ये है कि हम सभी इंसान में, जीव जंतु में, सभी सृष्टि में भगवान का रूप देखना चाहते हैं। तो फिर ऐसे ही समझ करके भगवान सभी के हृदय में है, तो उससे प्रीति जुड़ानी है। तो प्रीति भगवान को तो हम जानते नहीं है, तो भगत से प्रीति जुड़ाएंगे तो फिर लव स्प्रेड होगा, प्रेम होगा। तो ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज उसी कारण है, प्रेम, प्रेम के लिए, राइट। और हम तो बहुत भाग्यशाली के चैतन्य महाप्रभु आया, तो मफत में कोई लायक है कि नहीं,
सभी को प्रेम बांटने का। तो ये त्योहार तो और भी उत्साह से फिर बन जाता है प्रेम बांटने का अवसर, ठीक है। और सभी को दिल करता है कि हम नया नया कपड़ा पहने, तैयार होए, फेस्टिवल में जाए। आपने देखा है पार्वती को भी कितना जाने का दिल होता था, अप्सराएं सभी प्लेन में घूमती है। भागवत में लिखा है कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो सभी जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है फेस्टिवल तो, मनाने का। हाँ, तो नहीं हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्रिसमस करेंगे। हाँ, और क्या है, क्रिसमस करेंगे। तो एक और बात कहनी है कि कितना भाग्यशाली है कि शिला प्रभुपद के इस्कॉन स्थापन करने से अभी 90 कंट्रीज में सभी जगह ये त्योहार मनाया जाता है। और आप जैसे वेस्ट में से आए, अमेरिका में शुरू हुआ, यूरोप में गया, फिर जब भी आप जाएंगे इंडिया में आएंगे तो इधर लोग ताश खेलते हैं, पत्ता खेलते, दारू पीते हैं, और क्या मनाते हैं, और क्या करते हैं, जुगार, और क्या जुआ खेलते हैं। हाँ? और मांस खाते हैं, ये सब जो नहीं करना चाहिए वो सब काम करते। हाँ? हैं जी, यही त्योहार पर। तो वापस लाना है, बच्चे को सिखाना है। इसलिए भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको ये मौका मिला कि आप बच्चे को सिखाओ इसका मतलब। तो ये रिकैप है कि एक्सचेंज करना है और इसमें सभी लोग एंगेज हो जाते हैं फैमिली के, राइट। वेरी नाइस। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी रेवती माता जी से। मेरा प्रश्न है कि माता जी, ये जो तिथियों का जो भेद आ जाता है मुख्य रूप से, तो ये क्यों आता है? जैसे दिवाली बहुत से लोगों ने, हम लोग जो देखते हैं भौतिक जगत में हम लोगों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उन लोगों ने दिवाली कल सेलिब्रेट किया, लेकिन वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से दिवाली आज है। तो ये भेदा इस तरीके से क्यों होता है ये भेद? ये एक्चुअली में ऐसा है कि जैसे एक कैलेंडर जो सब फॉलो करते हैं, 16 कैलेंडर। अच्छा। और एक होता है लूना कैलेंडर। तो जो वैदिक होता है वो लूना कैलेंडर। जैसे अच्छा। वो बोलते हैं वैदिक कैलेंडर के 365 डेज होता है, 365। ऐसे लूना कैलेंडर का 354 होता है। तो ऐसे करके वो डेज जो बचते हैं, अच्छा, एक्स्ट्रा हो जाते हैं 11 डेज। अच्छा। तो उसके लिए फिर 33 डेज हो जाते हैं, तो एक मंथ आता है जिसको बोलते हैं अधिक मास। तो वो एक एक्स्ट्रा मंथ हो जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो दो कैलेंडर्स। तो वैदिक के हिसाब से देखें, वैष्णव लोग जो हैं, जैसे कोई तिथि है, जैसे 16 कैलेंडर के हिसाब से जी ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है जी उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे पूजा का टाइम होता है ना, बोलते हैं कि अभी ये टाइम से ये टाइम पूजा कर सकते हैं। हाँ, मुहूर्त जो होता है उसी, वो भी इसी के ऊपर ही है आधारित। अच्छा। तो जैसे अभी दो, कभी कभी एकादशी भी ऐसे लोग बोलते हैं दो, आप लोग दूसरे दिन क्यों जी, जी, जी। तो मैं जस्ट इस पे ही थोड़ा सा ये डालूंगी, रोशनी डालूंगी कि जो लूना कैलेंडर है जी, जो मून, जब मून किसी नक्षत्र के ऊपर आता है, तिथि के ऊपर आता है। अच्छा। तो वो मून का जो तिथि के ऊपर आना, हम वैष्णव की कैलेंडर के हिसाब से देखें वैदिक के, तो उस ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है। अच्छा। और 16 कैलेंडर के हिसाब से देखें तो सनराइज, सन मून, माना सनराइज और सनसेट जो चलता रहता जी, है जी, जी। वो ऑल ओवर ऐसे ही चलता है। यहाँ पर दिन है तो यूएस में रात है, इस तरीके जी, से जी, है ना जी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो तिथि बहुत डिफरेंस हो जाती है, परंतु ये डेज हम लोग वही मानते हैं 16 के हिसाब से, 16 कैलेंडर के हिसाब से। परंतु जब ऐसी तिथियां आती है तो लूना, जब मून जिस तिथि पर पड़ता है, वो तिथि पर जब पड़ता है वो जो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त, उसको वैष्णव लोग ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे अभी दशमी का दिन अभी चल रहा है, अगर 16 कैलेंडर के हिसाब से दशमी का दिन चल रहा है और ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, अभी तक मून अभी उसमें एकादशी की तिथि पर नहीं आया है। अच्छा। और दशमी मतलब खत्म हो गई, अभी आया ही नहीं है। तो अब 16 के हिसाब से, नॉर्मल के हिसाब से तो ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया, परंतु लूना के हिसाब से वो मून अभी उस तिथि पर नहीं आया है। अच्छा। तो वो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब लूना का, चंद्र का जब ये ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, तो उसी को वैष्णव लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त मान करके फिर उस तिथि को, उस दिन को वो फॉलो करते हैं। अच्छा। तो वो तिथि फिर एकादशी की तिथि कहलाती है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त आता है। अच्छा। और 16 के हिसाब से वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं आता है। तो इस हिसाब से ऐसे दीपावली का भी, अब जब इस तिथि पे, अमावस्या की तिथि पर, ये डेट पर
अभी लूना मतलब चंद्र का एंट्री नहीं हुआ, उसका ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, तो उस तिथि को अब वो अमावस तो कहलाएगी सोलर के हिसाब से, परंतु जब तक ये नहीं आएगा उस तिथि पर चंद्र नहीं आएगा तब तक उसका ब्रह्म मुहूर्त नहीं होगा और तब तक वो तिथि जो है वैष्णव लोग चतुर्दशी ही मानी जाएगी, हाँ उसको वो काउंट नहीं करेंगे। ओके, भले वो आधा दिन आप देखें तो सेम हो, आधा दिन दशमी हो आधा दिन एकादशी हो जो भी, पर उस तिथि को नहीं मानेंगे, नेक्स्ट डे जो ब्रह्म मुहूर्त पड़ेगा उसको फिर एकादशी मानेंगे। वाओ, इस तरीके से जो है दो दो फेस्टिवल ऐसे लगते हैं, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ ये कैलेंडर्स जो है वैदिक कैलेंडर्स सोलर और लूना इसके हिसाब से, तो वैदिक का ज़्यादातर लूना के हिसाब से ही चलता है, इसलिए सोलर तो पूरा यूनिवर्सल है तो उसके हिसाब से चलता है। अच्छा, तो इसलिए वैष्णव जो है दोनों ही मानते हैं, डे के हिसाब से सोलर कैलेंडर और तिथि के हिसाब से लूना, ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से लूना कैलेंडर। और इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर ये सोच रही थी, आपने जब ये चीज़ बोला कि लूनर एंड सोलर जो डिफरेंस होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी एक होता है जहाँ पे मून साइन और सन साइन माना जाता है, हाँ। है ना, तो सन साइन से जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी है ना, और मून साइन से जो होता है वो मुख्य रूप से जो पामिस्ट्री जो लोग है ना, और जो ज्योतिष गणना जो होती है, हाँ, ये जो होता है ये मून साइन के हिसाब से चलता है, और हम लोगों की जन्मतिथि के हिसाब से जो होता है वो यानी 25 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल मुख्य रूप से जैसे नाम मुझे मिला था न से आया था या य से आया था, तो वृश्चिक राशि उसके हिसाब से बना था, लेकिन अब 25 अप्रैल अगर कोई देखेगा कि निधि शर्मा का 25 अप्रैल में बर्थ हुआ था, तो उसके हिसाब से जो सन साइन होता है वो टॉरस होता है, टॉरस, ऐसे स्कॉर्पियो है ऐसे टॉरस भी है, तो दो इसका बहुत सुंदर ये, इसीलिए वैदिक सनातन संस्कृति जब वो बहुत विस्तारित है उसमें बहुत कुछ है सीखने समझने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे हमारे गीत गोविंद माता जी की तरफ, तो माता जी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो दिवाली मनाने का जो इसके पीछे और भी कुछ मुख्य रीज़न है जिसको आप प्रकाशित करना चाहेंगे। हाँ हाँ, सभी वैदिक फेस्टिवल्स में जी कुछ हेल्थ रीजंस भी देते हैं, ओके। तो एस्पेशली ये जो दिवाली जो अमावस्या जी दिवाली में जो आ रहा है अमावस्या की जी, उस अमावस्या स्पेशल है, पूरा साल की अमावस्या में। अच्छा, ये अमावस्या में आप लोग कोई सभी को माना जाता है, हम बचपन से हम करते आ रहे मतलब नहीं मालूम था, फिर बाद में हम खोजे तो पता चल गया कि इस तिथि उस दिन नॉर्मली ऑयल स्नान तो तेल स्नान तो हम सूर्य उदय के बाद करते हैं। अच्छा, और आज के दिन आप पहले भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, तो एक साल का फल जब आप हफ्ते में दो बार या एक बार तो ऑयल स्नान करेंगे तेल स्नान करेंगे तो आपको तंदुरुस्त बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा आयुर्वेदिक में बोला जाता है सबसे अच्छा हेल्थ प्रैक्टिस क्या है, हफ्ते में एक बार पूरा शरीर में ऑयल लगा के सूर्य सन के सन बात लेके फिर स्नान करेंगे तो अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त अच्छा रहता है। अच्छा, तो महर ये आज के दिन पर जल्दी कर सकते हैं, बिफोर 6 हम अच्छा ऑयल लगा के फिर 10-15 मिनट रुक के फिर हम स्नान करेंगे, शैम्पू से नहीं, शिकाकाई अरिटा उससे करना है, हर्बल्स से करेंगे तो एक साल का हेल्थ आपको गारंटी है। वाओ, एक साल का हेल्थ गारंटी है, इसलिए ये तो गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। तो साउथ इंडिया में वो लोग पूछते हैं दिवाली में गंगा स्नान हो गया, आज बधाई बताते हैं, फिर ये भी बोलते हैं गंगा स्नान हो गया करके बोलते हैं, तो आज जो भी गंगा नहीं जा पाएंगे महर ये पूरा स्नान करेंगे ऑयल से, तो ऑयल बाद पूरा करेंगे तो उनको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। गंगा स्नान में आध्यात्मिक फल भी मिलता है, हेल्थ दोनों मिलता है, दोनों मिल जाता है। तो आज का दिन पर आप ऑयल स्नान करेंगे, ठीक है आज नहीं कर पाए कोई भी, अगले साल याद रखिए जी, जरूर याद रखिए और जरूर करिए। ओके, तो हम लोग गंगा के तट पर है तो हम आज कभी भी जाके स्नान करेंगे तो ये है
हेल्थ तो अच्छा रहता है। तो फुल बॉडी पे आप ऑयल लगाना पड़ेगा, हेड टू टो। ऑयल को एक छोटा सा कटोरी में लेने रखा और एक बड़ा तपेले में पानी रख के उसमें ये छोटा कटोरी का रख के फिर डायरेक्टली हीट नहीं करने का ऑयल को। डायरेक्ट हीट करने से उसका हेल्थ बेनिफिट नहीं मिट जाता है। अच्छा। तो इनडायरेक्टली एक पानी का स्टीम करने से वो थोड़ा ऑयल गर्म हो जाता है। हम इधर रहते हैं तो हम सरसों तेल, मगर मैं साउथ इंडिया से हूँ इसलिए मैं सीसेम जी तिल का तेल, तिल का तेल से स्नान किया। तिल का तेल बहुत अच्छा तेल माना जाता है जी। तो उसको अप्लाई करके हम पूरा हेड टू टो करके हम 5-10 मिनट वेट करके फिर गर्म पानी से स्नान करना है। जब भी ऑयल स्नान होता है तब गर्म पानी से होता है, ठंडा पानी। इसीलिए साबुन नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाते हैं इसके, बेसन या कुछ हर्ब्स शिकाकाई बेसन देखा कितना फिर उसका जैसे आप शैम्पू लगाएंगे तो फिर वो तो केमिकल है, पूरा निकाल देता है। बिल्कुल केमिकल्स तो वैसे ही हार्मफुल है, हार्मफुल है। तो आप बेसन या शिकाकाई ऐसा उसके मिक्सर मिल जाता है हर्बल पाउडर, उससे हम स्नान करने से 1 ईयर का हेल्थ तो आज तो छोड़ना ही नहीं है। वेरी नाइस। तो आई थिंक गंधारी माता जी वांट्स टू ऐड समथिंग। इसमें आयुर्वेदिक का बेनिफिट वो है जैसे माता जी ने बोला ना, तिल का तेल या सरसों का तेल तो अपना डोसा होता है ना, वाता पीता कफा को बैलेंस करता है। दोष जो वात पीत कफ को बैलेंस करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि तेल बहुत जरूरी है कि ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग मीन्स मदर अर्थ के साथ जुड़ते हैं जी। क्योंकि देखो आप अभी तो सभी लोग जूता पहनते हैं, पहले तो वैसे धरती में वैसे ही चलते हैं जी। जो ऐसा चलना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मदर अर्थ से आप जुड़े रहते हैं। नहीं तो आजकल तो छोटे बच्चे को भी चक्कर आता है क्योंकि ये मोबाइल फोन होता है, कार में जाते हैं, मोटरसाइकिल में, तो वात एकदम इम्बेलेंस हो जाता है। तो वात के बारे में मैंने बहुत सारा लिखा है कि ये मेन चीज है, ये ऑयल का है। फिर गौ की दी हुई वानगी पकड़ कर वो भी खाना है, जैसे पनीर खाओ, रसगुल्ला खाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इमीडिएट ग्राउंडिंग के लिए तो उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत है। देखो आज माता जी कितना चमक लगती है, वो वो क्या है अपना ट्यूमरिक, ट्यूमरिक और क्या हल्दी, साउथ इंडिया में टर्मरिक बहुत यूज करते हैं रोज स्नान में हल्दी। हाँ, वो मैंने लास्ट वीक हमारे जो सुकीर्ति माता जी आए थे ना उनसे मैंने सेम क्वेश्चन किया था कि मैंने ये चीज वहाँ पे नोटिस की थी कि साउथ इंडियन माता जी रोज सुबह फेस पर हल्दी लगाती हैं। तो लगाने का हल्दी अलग है, अच्छा खाने का हल्दी अलग है। वो कस्तूरी हल्दी होता है, वाइल्ड टर्मरिक कस्तूरी हल्दी, और दूसरा एक ऐसा ऐसा घिसने वाला हल्दी, कच्चा हल्दी जो होता है। हाँ हाँ, उसको घिस के हम जो जिंजर की तरह आता है ना। नहीं नहीं नहीं, इधर वो मिलता ही नहीं है, वो वेराइटी नॉर्थ इंडिया में मिलता नहीं है। अच्छा, आप गलती से, वो तो खाने का हल्दी है, थोड़ा जलन, इसमें भी जलन होता है मगर आपको अच्छा हो जाता है, एंटीसेप्टिक है। अच्छा, इट इज अ मस्ट साउथ इंडिया में। तो कस्तूरी हल्दी जो होती है ना, कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए अच्छी है। हाँ, मैंने थोड़ा भी जलन नहीं होगा, ऑनलाइन मैंने भी मंगवाया था, वो काफी अच्छा रहता है। उसका जो कलर होता है वो बहुत लाइट होता है और कुकिंग में जो हम यूज करते हैं वो बहुत डार्क होती है, तभी वो कलर देती है। हल्दी बहुत तरीके से होता है, बहुत तरीके हैं। वेरी नाइस। तो देखिए कितने सारे हमको रीजंस पता चल रहे हैं कि दिवाली के साइंटिफिक रीजंस भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, तो हम सभी को दिवाली सेलिब्रेट करना ही चाहिए। तो हम आते हैं गंधारी माता की तरफ कि माता जी, ये जो वैदिक काल में जो विक्रम संवत जो मनाया जाता था, इसके पीछे का आप थोड़ा कारण बताइए। हाँ, वो ही कि जैसे कोई भी अवतार आते हैं उसके बाद में कैलेंडर बनता है उसके नाम के पीछे जी। राइट। तो अभी तो खाली 2080 साल हुआ, विक्रमादित्य राजा था जी। वो भगवान राम के पूर्वज अंश में आया, वंश में आया जी। तो तभी से ये वैदिक कैलेंडर चालू है 2080। तो इसलिए विक्रम संवत कहते हैं। तो उसके अभी हमारे टाइम में अभी बोलते तो है गौरवदा, गौरवदा मतलब
चैतन्य महाप्रभु आया तभी का कैलेंडर है 535 इयर्स, कितना हुआ 537 इयर्स, तो गौरवदा है। तो अभी थोड़ा देर लगेगा ये सभी इस्टेब्लिश करने में, लेकिन तभी गौरवदा बोलेंगे नहीं अपना कैलेंडर। तो अभी तक तो ये विक्रम संवत चल रहा है क्योंकि वो राजा था, बड़ा पराक्रमी था इसी कारण। और वो हेल्थ के बारे में एक चीज और कहनी थी कि ये फेस मास्क है ट्यूमरिका और बेसन का आटा, अभी तक वही चलता था, अभी तो ये नया नया केमिकल हो गया। फिर उसमें क्या है, लक्ष्मी भी घर में आती है ट्यूमरिक का यूज करने से, क्योंकि वो लक्ष्मी का लिए होता है। और बेसन में तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत से लोग उसको सिर्फ फेस वॉश की तरह यूज करते हैं। हाँ। क्योंकि जब मैं कभी बेसन का कुछ बनाती हूँ घर में और जब मैं हैंड वॉश करती हूँ तो इतना झाग होता है उससे, मतलब बेसन में अपने आप इतनी वैसी क्वालिटी है कि वो फेस को बॉडी को क्लीन कर सकता है बिल्कुल, और स्क्रब जैसे भी हो सकता है, थोड़ा कोर्स हो तो वो स्क्रब की भी तरह यूज किया। तो फिर ये नया पैसा क्यों इतना वेस्ट करते हैं अपने घर में ही है चीज, बेसन ट्यूमरिक वगैरह ऑयल। बट मेरे को लगता है हमारे को ट्रस्ट नहीं रहा, प्रॉब्लम हमारा ये कि हम उन चीजों पर ट्रस्ट नहीं करते आजकल। पुरानी जो चीजें हैं हल्दी बेसन, हमको इन पे ट्रस्ट है कि लक्स हमको रिजल्ट देता है ना, केमिकल्स है ना, तो इंस्टेंट रिजल्ट देता है तो लगता है कि yes, पर हाँ। वो बाद में इतना हानिकारक होता वो पता नहीं। हाँ, ये बात सही कही आपने कि हमको जो है हमको हाथ की हाथ रिजल्ट्स चाहिए, इसीलिए हम लोग फिर आज का टाइम ये सब इंस्टेंट है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे रेवती माता जी की तरफ। तो ये क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ये जो वर्णाश्रम है हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, ये सिर्फ वर्णाश्रम है या दैव वर्णाश्रम है, और अगर दैव वर्णाश्रम है तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम दैव वर्णाश्रम को फॉलो करने की बात कर रहे हैं इस्कॉन में? देखिए वर्णाश्रम अभी हमको ना बोलते हैं ना, जैसे घी, पहले घी बोलो तो मतलब असली घी, उसको मेंशन नहीं करना पड़ता था, अभी बोलना पड़ता था प्योर गाय का घी जी, तो उसको मेंशन करना पड़ता है। तो पहले वर्णाश्रम होता था, वर्णाश्रम है उसमें स्पिरिचुअल पूरा भक्ति उसमें रहती थी। अच्छा। परंतु अभी क्या, कई बार वर्णाश्रम के उसमें सब कुछ ठीक है, वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हैं और परंतु उसमें से जो मेन भगवान, वो जो भक्ति, वो निकल गई, तो वो हट गया। तो इसीलिए हमको दैवी वर्णाश्रम कहना पड़ता है कि भाई वर्णाश्रम का मतलब ही यही है कि बस पेश हम लोग लास्ट भगवान से जाके जुड़े, भक्ति भगवान की भक्ति करें, भगवान के सरेंडर्ड हो। तो अगर इस हिसाब से गृहस्थ आश्रम में है, किसी भी आश्रम में है और उसको फॉलो करते हुए हम और ऊपर जाते हैं और भगवान से जाके जुड़ते हैं, तो ये होता है एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म का जो फॉलो करने का। परंतु अभी हमको ऐसे बोलना पड़ता है दैवी वर्णाश्रम, क्योंकि बिल्कुल स्पिरिचुअल उसमें हो जाए, आध्यात्मिकता आ जाए, तो इसलिए मेंशन करना पड़ता है। तो यही है और कुछ नहीं है, अगर भगवान से जुड़ते हैं तो दैट इज दैवी वर्णाश्रम। बहुत सुंदर माता जी। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगी गांधारी माता की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं गीत गोविंद माता जी के पास कि ये जो दिवाली मनाने का या ये सब जो भी फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, इसका स्पिरिचुअल लाइफ से क्या कॉन्टैक्ट है, या स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे इससे जोड़ सकते हैं? ये सभी जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं साल भर, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, ये सबको हम स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? पूरा दिन भौतिक दुनिया में देखेंगे तो लोग दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, कभी उनको कुछ राइट थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन में जोर ज़्यादा देने के लिए मौका भी देना चाहिए। जी। तो वो मिक्स्ड विथ हैप्पीनेस, थोड़ा खुशी भी, कठिन नहीं तपस्या वो ऐसा नहीं, थोड़ा हैप्पीनेस के साथ भी देना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा वैदिक सोसाइटी में माना जाते हैं, और सोसाइटी में हमेशा एवरीडे फेस्टिवल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि सब अपने अपना निज जीवन में चलते रह रहे, तो ऐसा ये फेस्टिवल्स में हैप्पीनेस आता है। फिर भगवान के साथ, जैसे अभी दिवाली क्या है, दिवाली तो वेलकमिंग लॉर्ड राम, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लीलाओं भी है, तो उस लीलाओं को हम स्मरण करेंगे। उस लीला में, अभी आज दिवाली है तो हम
हम भी अयोध्या वासी जैसा फील करें, फील करेंगे ना जब दिया जलाते हैं और घर में पूरा जहाँ पर रखते हैं, हमको वही फीलिंग्स आता है। हाँ, राम जी आज अयोध्या आए, जी जी जी, कृष्णा आज नरकासुर को वध किया, नरकासुर पूछा भगवान इस दिन को आप अच्छे तरह मनाओ करके, तो उसमें वो लीला में हम घुस जाते हैं, तो फिर प्रगति मिलता है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत प्रगति मिलेगा। हाँ, फेस्टिवल्स का मतलब वो ही है, और लविंग एक्सचेंज होता है डिवोटीज के बीच में। वेरी नाइस। तो एक दूसरे का टाइम किधर है, किसी के साथ टाइम नहीं है, मिलने जुलने की भी टाइम, छुट्टी मिलेगा और एक दूसरे से मिलने के लिए भी हमको मौका मिलेगा। वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर। तो माता जी ने कितने सुंदर ढंग से बताया कि हम त्योहारों को किस प्रकार से भक्ति से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि होली हम जब मनाते हैं तो उसका एक बहुत सुंदर रीज़न है कि हम भक्त प्रहलाद की याद करते हैं। यद्यपि भौतिक जगत में लोगों के लिए वो नशा करने का और भांग पीने का और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है होली के लिए, होली का उनके लिए इम्पोर्टेंस, लेकिन हम लोगों के लिए वो एक त्यौहार है। हम याद करते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए होलिका के प्रभाव से अपने भक्त प्रहलाद को वहाँ पर बचाया और एक भक्त की प्रतिष्ठा को वहाँ पर भगवान स्थापित कर रहे हैं। तो हम पुनः गांधारी माता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, जो ये वर्णाश्रम की जो अभी बात उठी थी, इस पर थोड़ा आप डिटेल्स में और अगर कुछ बता पाए तो। माता जी ने बहुत अच्छा समझाया कि पहले वर्णाश्रम है ना, वो भगवान सेंटर्ड था जी, उसका नाम ही वही था, विष्णु सेंटर्ड। अच्छा, एक श्लोक है कि वहाँ प्रभुपद बोलते हैं कि वर्णाश्रम का मतलब विष्णु को आराधना करना जी, तो विष्णु सेंटर्ड है। तो अभी माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि वो विष्णु को निकाल दिया। हाँ। इसलिए लोग अभी क्या समझते कि ये कास्ट सिस्टम है, और वो भी फॉरेनर्स ने आकर हमारे मगज में डाल दिया कि उच्चे वाले लोग ऊपर है और नीचे वाले को एक्सप्लॉइट करते हैं, बट सच बात ऐसा नहीं है, क्योंकि वैदिक कल्चर में सभी का मान सम्मान होता है, सभी की अपनी अपनी जगह होती है, उच्च नीच नहीं है। अच्छा, सभी का अपना नेचर के हिसाब से काम होता है। अच्छा, तो वो वर्णाश्रम था, वो खत्म हो गया, तो फिर आचार्य ने कहा कि रीस्टैब्लिश करना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने चालू किया था, भक्ति सिद्धांत महाराज को बोला कि आपको करना है जी, वो नहीं कर पाए तो फिर प्रभुपद ने वो काम ले लिया, और इतना लिखा है उसके बारे में जी, वर्णाश्रम के बारे में। तो फिर दैवा वर्णाश्रम कहते हैं, क्योंकि कृष्णा सेंटर्ड है। अभी जब भी भक्त, क्यों कृष्णा सेंटर्ड है, आप लोग साधना भक्ति करते हैं, 16 माला करते हैं, हाँ, सुबह उठकर फिर भगवान की आरती में जाते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, शाम को आरती करते हैं, और आपका लाइफस्टाइल एकदम सत्व नहीं, ट्रांसेंडेंटल बन गया जी, ट्रांसेंडेंटल, शुद्ध सत्व हो गया जी, भक्तों का जीवन। तो मतलब क्या, कृष्णा सेंटर्ड है, उसको इसीलिए दैवा वर्णाश्रम कहते हैं कि एवरीथिंग इज कृष्णा सेंटर्ड, एंड वो सत्व क्या है, परासत्व, शुद्ध सत्व जी, इसी को दैवा वर्णाश्रम कहते हैं। और वो दूसरा है जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, उसको आसुरी वर्णाश्रम किया, क्योंकि कुछ उसमें अभी भगवान का कुछ रहा ही नहीं, देवता का करते हैं पूजा, लेकिन वो क्या है, मिक्स हो गया सारा, वो भी फल प्राप्ति के लिए, हाँ, और अपना फल कर्म कांड हो गया। हाँ। राइट, तो इसीलिए उसको असुरी कहते हैं। हम सारा सेमिनार करेंगे बाद में एक बार, वरना 4 तरह का होता है जी। वो भी, लेकिन ये देवा वर्णाश्रम क्योंकि कृष्णा सेंटर्ड है, कितना लकी है हम सभी भक्तों के बीच में ये सेलिब्रेशन मनाते हैं, तो बहुत आनंद आता है। और क्या है, स्पिरिचुअल प्रगति होता है, जैसे कि आप मिठाई खिलाते हैं हरिनाम डिवोटी को, इतना आपके घर में सुख शांति और ऑस्पिशियसन प्रॉस्पेरिटी भी आता है। समझ नहीं पाते, ऐसे वर्ण और आश्रम करते, वर्ण क्या है जी, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण और वैश्य शूद्र, ऐसे ही आश्रम भी ऐसे है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानर पर संन्यास,
अब ये वर्ण और आश्रम है, पहले तो उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने पहले कहा दैवी वर्ण आश्रम नहीं बोलना, मैंने सब अपना शूद्र है वो अपनी सेवा करके उससे वो भगवान से जुड़ता था, क्षत्रिय अपनी सेवा करके भगवान से जुड़ता था, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम, कोई गृहस्थ में है कोई वानरप्रस्थ में, तो उस हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते थे और अपना अपलिफ्टमेंट होता था, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब ये जैसे माता जी ने कहा आसुरी वर्ण आश्रम, तो उनको लगता है कि हम अपने वर्ण में हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम अभी राजनेता हैं, ये है वो है, परंतु उनमें सारी प्रवृत्तियां क्या है, भोग विलास ये सब असुर की, और इसी तरह से शूद्र भी यही सोचता है, और इसी तरह से जो ब्राह्मण है अजिग तथा कथित, वो लोग भी उसको असली जो विष्णु का जो ये है सेवा उसको भूल गए हैं। तो इस तरह से जितने भी वर्ण आश्रम इसी को ही बोला जाता है, इसको अगर ठीक से फॉलो करते थे, पहले तो ऐसे ही फॉलो होता था, तो वो स्पिरिचुअल एक ही होता था, एक ही वर्ण आश्रम धर्म ही उसको बोलते थे जी। परंतु अभी उसको ये करना पड़ता है, हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है कि आसुरी वर्ण आश्रम धर्म और ये दैवी वर्ण आश्रम धर्म, उनको तो कास्ट सिस्टम बोलते हैं आजकल। और है कि पहले के लोग अगर शूद्र भी हैं तो वो खुशी खुशी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते थे, जो भी अपना अपना जो भी करना होता है वर्ण के हिसाब से सेवाएं, उसमें वो कोई ऐसा फील नहीं करते थे हम ये काम क्यों करेंगे। लेकिन आजकल के शूद्र बहुत नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते, शूद्र का मतलब ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। गीता में भी ऐसे कहा, अभी तो उसको जाति ये करके बहुत सारा भेदभाव हरिजन लोग का ये सब कर दिया गया है, वर्ण वैसे क्या मतलब है शूद्र का, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, जब संस्कार होते हैं तभी जाके द्विज बनता है। कि एक्चुअली सेवा तो चारों ही वर्ण कर रहे हैं, चारों ही कर रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सभी सेवा कर रहे हैं। हाँ, परंतु वही कहते ना, आप जिस वर्ण में है वही सेवा करेंगे। तो ये है जन्म ना जाए ते शूद्र, मतलब जन्म से सभी शूद्र है। फिर उसके बाद वेद पाठ सब पढ़ते हैं तब जाकर के वो ब्राह्मण बनते हैं, तो संस्कारों से फिर वो आगे बनते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो संस्कार कब होते हैं, जब वो जन्म लेता है उसके बाद उसके सारे संस्कार होते हैं, फिर वो दीक्षा होता है, फिर गुरुकुल में जाता है, तभी जाकर के वो एक ब्राह्मण बनता है, द्विज बनता है। तो इसी तरह से सभी शूद्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई शूद्र को एक कैटेगरी में जैसे कर दिया गया है, अभी कैटेगराइज करके उसको थोड़ा ऐसे दिखाया जा रहा है, सनातन धर्म को तोड़ा गया है, एक्चुअली में तोड़ा गया है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, एक्चुअली देखा जाए तो सेवक तो सभी हैं, ब्राह्मण ज्ञान देके सेवा कर रहा है समाज की, क्षत्रिय रक्षा करके सेवा कर रहा है, वैश्य धन कमा के सेवा कर रहा है, और शूद्र जो है चार ऊपर के तीनों की उन सबकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवक तो सभी हैं, चारों वर्ण सेवक हैं, इसीलिए जन्म ना जाए थे शूद्र। शूद्र मतलब सेवक, राइट, एक तरीके से अगर हम उसका सुपरफिशियली उसका अर्थ हम निकालना चाहें तो। तो यहाँ मैं गीत गोविंद माता जी से पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे रेवती माता जी ने बहुत सुंदर ऐड कर दिया दैव वर्णाश्रम और इसमें पूरे सुंदर रूप से, तो मैं गीत गोविंद माता जी के पास प्रश्न लेकर जाना चाहूँगी कि ये जो कर्म कांड है, क्योंकि पहले जैसे अभी दोनों स्पीकर्स ने बोला कि पहले के समय में वर्णाश्रम मतलब कर्म कांड, बस उन लोगों को लगता था कि कर्म कांड से जुड़े हुए हैं तो हम लोग वर्णाश्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग समझ पा रहे हैं कि भक्ति जो है उसकी नींव है वर्णाश्रम की, जिसको दैव वर्णाश्रम कहते हैं। तो बड़ा क्या है, वो कर्मकांड वाला वर्णाश्रम सही था या अब जो हम जो जिसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो वर्णाश्रम जरूरी है, प्लीज। सी, कर्मकांड क्या होता है पहले समझ लेंगे। जो पहला लेवल पहले सोच लेंगे कि जब इंसान खाना पीना सोना रहने से रहता है तो उसका तो जानवर जैसा ही जीवन है जी। जब उसमें से वो सोचता है मैं क्यों सभी चीज़ों के लिए कष्ट तकलीफ उठाता हूँ, तब वो सोचता है हमारा से ऊपर भगवान है जी। भगवान के पास जाके अपना जो नीड है उसको मांगेंगे, तो भगवान के पास जाके, तो इसलिए कर्मकांड दिया हुआ है जी। वो तो जानवर का लेवल से थोड़ा ऊपर है, उसको कुछ ज़रूरत होता है, हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, घर चाहिए, इसके लिए जो फल स्वरूप फ्रूटिव एक्टिविटी बोलते हैं, सो भगवान को बसते हैं कुछ अंदर रखे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए चाहिए, वो कर्मकांड है जी। जो कर्म योग है, जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है,
उसमें अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग अच्छा है कि भगवान हमेशा हमें रक्षा करता है, जंगल का जानवर को, हाथी को खिलाता है, मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? एग्जैक्टली. सांप को, सांप तो ये डेंजरस एनिमल, उसको खिलाता है, उसको रक्षा करता है भगवान, मुझे क्यों नहीं रक्षा करेंगे? वो अंडरस्टैंडिंग में जब आते हैं तो तब कर्म कांड नहीं करते हैं. कुछ भी कार्य में, भक्ति कार्य में, कुछ अंदर इनर मोटिव व्यापार नहीं होता. भक्ति व्यापार नहीं है. exactly. मैं ये देता हूँ, वो दे दो, मिलेगा, वो करता हूँ, वो करो, ऐसा व्यापार नहीं है. दैव वर्ण आश्रम में व्यापार नहीं है, सब अपने अपने कर्तव्य करते हैं. भगवान ऑटोमेटिकली जैसे जानवर को भी रक्षा करते हैं, हमको भी बक्सों को जरूर अच्छा ही रक्षा करते हैं. बहुत सुंदर माता जी, ये पॉइंट आपने बहुत सुंदर बताया कि जो वर्णाश्रम है उसमें कुछ प्राप्ति की रिटर्न में हमको कुछ मिलेगा, वो भाव वर्णाश्रम था. धर्मार्थ काम मोक्ष. एग्जैक्टली. जो चार पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ हाँ, वो जो है दैव वर्णाश्रम में पांच है, भक्ति और कृष्ण प्रेम. वेरी नाइस. तो हमारा जो दैव वर्णाश्रम है, लास्ट वीक में मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ था, मैंने वर्णाश्रम मेंशन किया था, मुझे वहाँ पर दैव वर्णाश्रम बोलना चाहिए था, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ दैव वर्णाश्रम है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सिर्फ वर्णाश्रम है. और अभी तो वर्णाश्रम भी नहीं है, समाज पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उसी को पुनः दैव वर्णाश्रम के धागे में पिरोने का प्रयास इस्कॉन कर रहा है. तो आप लोग भी अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकते हैं दीजिए, अपने अपने नियत कर्तव्यों का पालन करके, साथ की साथ कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में उतार के. मैं पुनः गांधारी माता की तरफ आना चाहूँगी और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो है कि हम लोग जीवन में बस कृष्ण को ले आएँ, और कृष्ण भी ऐसे बोलते हैं कि मेरी ही पूजा करो, मेरी ही, जैसे गोवर्धन पूजा का जो कल आने वाला है उसमें भी उन्होंने कृष्ण ने बोल दिया ना, असल में गोवर्धन जो है उन्हीं का स्वरूप है ना, क्योंकि हम देखते हैं भागवतम में कि जो राधा कुंड है वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम का जो है लिक्विड फॉर्म है, और गोवर्धन जो है वो सॉलिड फॉर्म है श्रीमती राधा रानी के रूप का. तो कृष्ण जो है अपनी ही पूजा करवा रहे हैं, और भागवतम में, भगवद गीता में उन्होंने तो बोल दिया कि मेरी ही पूजा करो, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे ही पास आ जाओ. तो बहुत से लोग तो बोल इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं कि आपका भगवान इतना अहंकारी क्यों है, अपनी ही पूजा करवाने पर तुला हुआ है. गोवर्धन पूजा में भी उन्होंने इंद्र की पूजा को हटवा दिया, जो देवी देवता हैं, डेमीगॉड वर्शिप है, उसको पूरी तरह से नकार के अपनी पूजा करवा रहे हैं. ये सब क्यों, ऐसा क्यों है, कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? यू सी, प्रॉब्लम वहाँ से है कि बाहर का इन्फ्लुएंस आया ना हमारा देश में जी, तभी से भागवत गीता का पठन पाठन का बंद हो गया जी. सभी चीज एक ही बुक में है, भगवत गीता और भगवान कृष्ण भी कहते हैं उसमें चौथा अध्याय में कि मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पहले मनु को दिया था ज्ञान, सूर्य देव को दिया था, उसने मनु को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया, को मिला. फिर ये टूट जाती है परंपरा, फिर वापस आता हूँ. तो अर्जुन ने भी वही सवाल कहा कि आप तो अभी मेरे पास में है, आपने उसको कहाँ दिया होगा? तो कि तेरे को तो जन्म सभी भूल गया, मेरे को तो सभी याद है कितनी बार वे आया, राइट? तो भगवान खुद ही बताते कि खुद साक्षात वो पूर्णो पुरुषोत्तम है जी, कोई देवता ऐसा नहीं बताया. और जिसको जन्म मरण की चक्की से निकलना है तो वो खाली कृष्ण ही दे सकता है, या तो विष्णु भगवान उसको चाबी दे सकता है, नहीं तो आप ये ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे जी जी जी. इसीलिए, और दूसरी बात वो है कि भगवान कृष्ण ने बार बार बताया कि वो कितना शक्तिशाली है, शक्तिमान है, राइट? उसका 6 गुण है जी जी जी. तो ये सारा सभी उसने प्रकट किया कि उसको कोई नहीं जीत सकता है. जैसे कि समुद्र मंथन है, राइट? लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में आई, आज उसकी पूजा होती है, बहुत सुंदर. तो वो लक्ष्मी जी आई तो समुद्र मंथन किया, तो सभी जगह भगवान का ही काम पड़ा. nice. वो काचबा बना हाँ फिर वो ऊपर से हिलने लगा, वो मंदराचल पर्वत डोल रहा, तो वो ऊपर बैठ गया हाँ, उसको संभाल करके हाँ. और उसने ही शिक्षा दिया था कि ऐसे आपको वो अमृत मिलेगा, तो मोहिनी के रूप में अमृत लेकर आया.
और जो धन्वंतरी भगवान है वो भी वही है, वो भी विष्णु है, तो हाँ। धन्वंतरी के रूप में भी आए आयुर्वेद देने को, अमृत लेकर के आए। तो सभी जगह देखे तो भगवान कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। बहुत सुंदर। और जो आपका देवी देवता है वो भी उसका अंश ही है। बहुत सुंदर। और थोड़ा ही कर सकते है, क्योंकि जैसे कि स्वर्ग में रहते है सभी देवता लोग, जैसे उसका पुण्य खत्म होता है उसको फिर से वापस आना है। जी, जैसे कोई भी मनुष्य है जी, जी, वो एक 100 years 100 साल तक वर्णाश्रम विदाउट मिस्टेक फॉलो करे तो उसको ब्रह्म का पोस्ट मिल सकता है। ओह हाँ, लेकिन एक भी मिस्टेक हो गया, जैसे कि नृगा राजा था, जी, जी, जी। तो नृग राजा ने बाय मिस्टेक गाय उसने दान में दिए ब्राह्मण को, तो एक गाय बाय मिस्टेक चला गया तो वो ब्राह्मण ने शाप दिया, दान की हुई दान वापस दान कर दी थी गाय, राइट। तो एक ही मिस्टेक से उसका पतन हो गया, फिर वो लिजर्ड बन गया। तो एक्चुअली आप वियतनाम में देखें तो एनजी नृग इतना सारा नाम है वियतनाम में। Oh. तो शायद वो वहां से ही हो गए, क्योंकि वे एक्चुअली वैदिक कल्चर सारी दुनिया में फैला है। पहले तो हाँ पूरा पूरा विश्व ही भारत में था, सम्मिलित था, जिसको कि अजनाभ खंड बोलते थे, और उसके बाद भारत वर्ष हुआ, तो वो सिकुड़ते सिकुड़ते अब जरा सा भारत रह गया है, बहुत अभी आने वाला है अखंड भारत, है ना, गरुड़ा एयरवेज कोई कंट्री का इंडोनेशिया। तो ये सभी आने वाला है, क्योंकि भगवान की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, जैसे सारी दुनिया में दिवाली गोवर्धन पूजा हरि नाम हो रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से वापस आ जाएंगे। और इंडोनेशिया में तो बाली नाम की कोई एक आइलैंड है ना, ऐसे मैंने सुना है, बाली बाली जगह है ना, तो वो वही है कि एक समय में बाली मतलब लीला वहां पर भी हुई थी। एक बार जब श्री राम आए थे, ये वाला त्रेता नहीं, इसके पहले किसी समय में त्रेता में श्री रामचंद्र आए थे, तब बाली वहां रहता था, तो इसलिए उस जगह का नाम बाली द्वीप बाद में रखा गया। तो ये समुद्र मंथन का आप है ना जी, तो वो बाली में क्या बैंकॉक में है ना, एयरपोर्ट में सारा उसका डायोरामा है, पूरा बना लाइफ साइज डायोरामा है पूरा समुद्र मंथन। जस्ट डू इट गूगल में करो, बैंकॉक में हाँ, तो लाइफ साइज समुद्र मंथन का डायोरामा है। वाओ, देखा, तो ऐसे ऐसे तो बहुत अभी एविडेंस आता है। अच्छा, वैदिक कल्चर के तो भगवान कृष्ण साक्षात ही है, उसने ही बताया कि हम है, राइट और गोवर्धन पर्वत उठाकर भी बताया और सारा भोग ले लिया फिर से वापस दिया, वो जी, कौन जी, कर, जी। सकते? भगवान ही कर सकते, भगवान ही कर सकते एग्जैक्टली। तो मैं अभी रेवती माता जी के पास जाना चाहूंगी। माता जी, मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूंगी गोवर्धन पूजा का जो महत्व है उसको आप प्लीज बताइए। देखिए, गोवर्धन पूजा जो भगवान ने मेन जो इंद्र के गर्व को जो है अहंकार को जो है तोड़ने के लिए किया, तो भगवान ने ही सारे देवी देवताओं को नियुक्त किया है अपने अपने पोस्ट पर, ठीक है। अब जब वो ही कभी कभी होते हैं ना अपने पोस्ट और पोजीशन पे आते हैं तो मालिक को ही भूल जाते हैं, पफ टप हो जाते हैं तो इस तरह से इंद्र भी ऐसे पफ टप हो गए थे, और उसने सोचा कि बस हर ना दिवाली के दूसरे दिन, जैसे अभी तो गोवर्धन, पहले इंद्र पूजा होती थी तो उसे लगता था कि मैं कुछ हूँ भाई, मेरी पूजा होगी, तो बस जब इस तरह से अहंकार बढ़ गया तो भगवान ने सोचा इंद्र तो है भी मेरा भक्त, मैंने ही उसको ये पोस्ट दिया है संभालने के लिए, दायित्व दिया है, तो इसके अहंकार को मतलब ख़त्म करने के लिए भगवान ने फिर जो है ये गोवर्धन पूजा का वापस इंद्र पूजा बंद करवा के, और फिर सभी जो वृंदावन वासी थे उनसे कहा कि सारा सब कुछ तो हमको गोवर्धन से ही मिलता है जी। हमारी सारी जो गैया हैं वो सब तो गोवर्धन का घास चरती हैं और उस वजह से वो दूध देती हैं, तो हमारा बिजनेस चलता है, और देखा जाए तो इंद्र क्या करता है, पहले होता ना इंद्र वर्षा करेगा तभी तो घास होगी, तब भगवान ऐसे उनको जो है समझाते हैं विस्तार से, है मैं ऐसे ही जस्ट बोल रही हूँ, तो इस तरह से भगवान ने समझाया और सबको राजी कर दिया कि हाँ गोवर्धन पूजा करनी है, और इंद्र का पूजा के जितनी भी सामग्री थी वो गोवर्धन पूजा में लगा दी, और फिर बाद में इंद्र क्रोधित हो गया और फिर उसने बहुत भयंकर वर्षा वगैरह की और पूरा तहस नहस करना चाहा, फिर तभी फिर भगवान को देखा उसने कि भाई भगवान किस तरह से गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली में लेकर के और सारी ब्रजवासियों को जो है उस गोवर्धन के नीचे पूरा शेल्टर दिया था, और ऐसे भी नहीं कि नीचे से पानी आ रहा था, अगर नीचे भी वासुकी का
जो आसुकी नाग है, शेष नाग, वो पूरा बाउंड्री बन के बैठा था, वो जल नीचे से भी नहीं आ सकता, अंदर आ ही नहीं रहा था। तो मैंने एक जो बोलते हैं ना, मैं एक बार लेक्चर सुन रही थी, प्रभु बोल रहे थे इट वाज लाइक एक बहुत अच्छा एसी हॉल बन गया था। अरे वाह, क्या बात है। और इतने अच्छे से सब वहाँ पर, किसी को कुछ ये नहीं लग रहा था कि बाहर इतना ये हो रहा है, क्या होगा, घर की चिंता, ये कुछ नहीं। सब भगवान का दर्शन कर रहे थे 7 दिन तक। और फिर जब इंद्र ने देखा कि हाँ ये जो है ऐसा मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और ये तो है ही मेरे स्वामी, तभी फिर इंद्र जो है भगवान से आकर के क्षमा मांगते हैं। तो बेसिकली भगवान जब अपने भक्त को इस तरह से अहंकार में देखते हैं तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान, उसके अहंकार को ये करने के लिए ये लीलाएं रचते हैं। बहुत सुंदर। बाकी तो भगवान ने ही उनको नियुक्त किया है उस सेवा के लिए, नो डाउट। तो बस मेन इसका यही है। तो गोवर्धन पूजा तब से शुरू हुई है जी। और भगवान ने अपने हाथों से इसका जो है उद्घाटन किया है और गोवर्धन की परिक्रमा जो है वो भी उसी दिन से शुरू हुई थी। अच्छा। और आज तक चल रही है। तो गोवर्धन की परिक्रमा भी भगवान ने शुरू करवाई थी ब्रजवासियों को लेकर के। वेरी नाइस। तो गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा और गोवर्धन का जो क्या मतलब ना एक रोल है, हाँ, वो भगवान से अभिन्न है जी, जी। तो उनको भी बोलते ना एक फेम देने के लिए, यश देने के लिए गोवर्धन को जो है इस संसार में ये भगवान ने लीला। तो एक लीला में बहुत सारे भगवान के जो है टारगेट फुल होते हैं। वेरी नाइस, मतलब बहुत सुंदर। तो यहाँ पर मुझे भी एक पॉइंट याद आ रहा है कि जैसे कि माता जी ने कहा तो गिरिराज जी को श्रीमद् भागवतम में हरिदास वर्य कहा जाता है, जो कि भगवान के दासों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो देखिए भगवान एक लीला के माध्यम से कितना कुछ कवर अप कर रहे हैं, कितना कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंद्र का मान भी घटा रहे क्योंकि वो भी भक्त है, उसको भी लेवल में रखना पड़ेगा वरना वो अगर चला गया हाथ से तो, है ना, तो उसको भी भगवान अपना बना के रख रहे हैं, उसको भी जाने नहीं दे रहे हैं, अहंकार तोड़ के भगवान ने उसको स्वीकार किया। ऐसा नहीं भगवान ने बोला चले जाओ अब मेरे सामने मत आना, नहीं, भगवान ने फिर उसको माफ़ करके बोला कि अब अपनी ड्यूटीज बिना अहंकार के फुलफिल करो, जो भी तुम्हारे कार्य हैं उनको करो। उसके बाद गिरिराज का भी मान बढ़ाया और भक्तों को आनंद दिया, 7 दिन 7 रात्रि भगवान को ही देखे जा रहे हैं सब खड़े होकर के। उनका भी इसमें भी था ना कि ऐसी सारी गोपियां जब माँ यशोदा को देखती थी तो वो उसको ईर्ष्या होती थी सबको कि हम भगवान को जो कृष्ण को 24 के पास रहता है सच में। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भी ये लीला 7 दिन तक देखते रहे। कितने सारे जो है पॉइंट्स इसमें, कितनी सारी चीजें जो है भगवान ने उस एक लीला के माध्यम से की। तो हम आगे बढ़ेंगे और जो अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा के बाद, आई थिंक माता जी उसके बारे में जानते होंगे, भाई दूज। तो मैं माता जी से थोड़ा संक्षिप्त में भाई दूज का महत्व जानना चाहूंगी। ये जो हमारा वैदिक सिस्टम है जी, तो इतना प्यार से भरा हुआ है जी। तो माँ बाप बचपन से ऐसा पालन पोषण करते हैं, जो प्रॉपर्टी होता है पिताजी का प्रॉपर्टी होता है वो बेटा को जाता है। मगर बेटी किसी घर के चली जाती है उसको दहेज थोड़ा बहुत देते हैं, मगर भाई का ये कर्तव्य बनता है कि अपना बहन को, माता पिता बुढ़े होने के बाद बहन को अच्छी तरह चले जाने के बाद बहन को अच्छी तरह रखा जाए। तो वो साल में एक बार बहन के घर आता है, आके देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसको सब कुछ है क्या। ये साउथ इंडिया में भी है, दिवाली में गरीब से गरीब भी कुछ तो मिठाइयां लेके बहन को आके मिलेगा। वो है, वो सिस्टम है, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा अपना अपना स्टैंडर्ड के, अपना अपना इनकम के मुताबिक कुछ तो देते हैं। तो दिवाली आया, ठीक है, बहन लोगों को साड़ियां खरीद के देना या गिफ्ट देना, क्या कुछ पैसा देना, कुछ मिठाइयां देना, कुछ तो है। ये रिवाज जो है अच्छा है, मीन्स आपस में फैमिली वैल्यूज है। भाई है तो भाई बहन है तो प्यार से रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। तो सोसाइटी में ये सब जरूर होना चाहिए, सब इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है जी, है ना, इंटरडिपेंडेंट है। अभी आजकल तो ऐसा फैमिली वैल्यूज है ही नहीं जी, है नहीं, बहन को देखते नहीं है, कभी कभी हाय हेलो बोल देते हैं। तो इसमें भी देखिए ना, धर्मराज से शुरू हुआ है जी, कुर्म धर्म के ही आता है, धर्मराज से शुरू हुआ है, यम से, यम जब अपनी बहन यमुना के पास आते हैं, को मिले। तो उसी से तो शुरू हुआ, मतलब इसमें भी देखिए स्पिरिचुअलिज्म है ना पूरा,
जी, तो दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, पर वो तब से स्टार्ट हुआ अभी तक वो चला रहे, किस तरह से धर्म का जैसे पालन हो, तो धर्मराज स्वयं जो है इसको करके दिखाए, इसको करके दिखाए कि भाई हाँ। तो यहाँ मैं गांधारी माता जी से थोड़ा जानना चाहूंगी कि माता जी, बहुत से लोग आजकल बोलते हैं कि अरे आप तो भक्त हैं, आप ये लोग त्योहार क्यों मनाते हैं आप लोग, या बहुत से भक्त भी अपनी तरह से बोलते हैं, हम लोग तो भक्त बन गए, अब हम ये सब नहीं मानेंगे, फैमिली से दूर भागते हैं या इस तरीके से, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगले सवाल आप देखेंगे ना तो उसमें भी ऐसा है कि ये जैसे माता जी ने बोला फैमिली वैल्यूज बढ़ाता है और एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है। जी, जैसे माता जी ने बोला साक्षात यमराज आया था यमुना जी को मिलने को, जी भाई बहन अलग हो गए थे फिर मिले, जी राइट, तो फिर वो लाया क्यों, फैमिली वैल्यू सेम करता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे है, कृष्ण बलराम है जी, इधर आए थे धरती पर तो सुभद्रा की शादी के लिए दोनों झगड़ते थे कि इसके साथ करना इसके साथ करना, कि बराबर उसका पार्टनर होना चाहिए, बहुत चिंता करते थे, बहुत चिंता रहती। तो भगवान ने खुद बताया कि बेन की कैसे रक्षा करनी है, बहुत सुंदर। और हाँ मनुष्य तो ठीक, उन लोगों ने मनुष्य में जन्म लिया था, जी, जी, जी। लेकिन असुर लोग भी बहुत, जैसे सूर्पणखा का कान काटा था तो रावण क्यों उसका बदला लिया, बदला लेने के लिए गया, बहन से प्रेम था इसीलिए। हाँ, तो ये रिलेशनशिप को हमको रीस्टैब्लिश करना है, राइट, फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। वेरी नाइस। और क्या है, यमुना ने तो वचन दिया कि कोई भी भाई इस दिन पर बहन के घर जाएगा तो उसको अनटाइमली डेथ नहीं मिलेगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा, और उसको क्या है कि ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि बहन है वो कोमल हृदय की होती है, हाँ, तो उसको ब्लेसिंग मिलेगा भाई को, और जो आगे मनाएंगे इस फेस्टिवल को उनको भी, हाँ, तो फिर क्या है, भाई और उसके परिवार को, जैसे कि कभी कभी एक्सीडेंट या तो कुछ कुछ मिसअप हो जाता है ना फैमिली, तो हम तो बहुत सुनते थे माँ बाप को, ऐसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, कि किसी का आशीर्वाद से हम बच गए, ऐसा ही ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, हाँ, कि किसी का आशीर्वाद, सो ये आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान होता है जी। तो ये कारण स्पिरिचुअल रीजन है। और श्रील प्रभुपाद का भी हम देखते हैं, उन्होंने भी अपनी बहन की बहुत टेक केयर की, इवन आफ्टर टेकिंग संन्यास, संन्यास के बाद भी वो कई अपनी जो बहन है पीसी माँ दीनतारिणी भावतारिणी जो माता जी हैं उनसे बहुत अटैच्ड थे श्रील प्रभुपाद। संन्यास के बाद भी कई बार उनकी चिंता रहती थी उनको, और उनके फैमिली मैटर्स सुलझाने में भी श्रील प्रभुपाद उनको बहुत गाइडेंस देते थे कि इस प्रकार से। गॉड सिस्टर थे, हाँ, भावतारिणी उनका गॉड सिस्टर, सिस्टर भी गॉड सिस्टर भी, ओ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से, अच्छा, इनिशिएशन ली माँ के बारे में बोलते हैं ना, यस 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 यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये मैं नहीं जानती थी, उन्होंने भी दीक्षा लिया, अच्छा, और हमेशा सेवा करने के लिए आया करती थी। वाओ, ये चीज मुझे आज पहली बार पता चल रही है। उनका उनका देह वो मायापुर में से चले गए थे, अच्छा, मायापुर में हो रहा है, बहुत डिवोटीज उनका सेवा किया, अच्छा, और वो वापस ये डिवोटीज जो टेक केयर करते थे, हाँ, वो लोग बहुत बीमार हो गए, इनको बेच देंगे उनका घर, ऐसा सोच रहे थे, मगर माता जी नहीं चाहती थी, हाँ, जाने, हाँ, के लिए, हाँ, तो फिर हरुण को रखा गया, कोई माता जी इसको असिस्टेंट दिया उनको, फिर वो माता इधर से निकल गए, वो बहुत मायापुर से उनका वेरी नाइस। तो देखिए एक और चीज पता चल रही है कि श्रील प्रभुपाद की जो बड़ी बहन थी ना, छोटी छोटी भावतारिणी, छोटी छोटे थे उनसे, छोटी, अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद की छोटी बहन भी श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से इनिशिएटेड थे, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त किए थे, तो वो उनकी जो क्या कहना चाहिए, बायोलॉजिकल सिस्टर भी थी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी उनकी जो देखा जाए उनकी सिस्टर थी। तो इतना सुंदर ये जो संबंध है उसको उन्होंने अंतिम समय तक निभाया, और श्रील प्रभुपाद के समाधि के समय भी वो वहाँ उपस्थित थी। मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे माता जी खड़े हैं और उन्होंने भी वहाँ पर मिट्टी जो है समाधि के वहाँ पर दिया। तो ऐसा सुंदर संबंध था दोनों भाई बहन का जो अंतिम श्वास तक दोनों ने निभाया। तो ये जो
त्यौहार हैं, इनको मनाने के क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, ये सब हमने सुना और हमने जाना कि क्यों ये त्यौहार मनाने चाहिए। तो और मैं थोड़ा सा डिटेल में हमारे गांधारी माता जी से जानना चाहूँगी कि ये जो हमारे आचार्यज हैं, इन्होंने कहाँ, आप थोड़ा सा रेफरेंस देकर के बताइए कि इन लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहा है या क्या इनका मान अवधारणा इन लोगों की क्या थी। जो देखो शिवा, नारद मुनि, भीष्म पिता जो ब्रह्मचार्य फॉलो करते थे जी, और चार कुमार्स, दीज आर अपना क्या कहते हैं 12 महाजन्स होते हैं, वो साक्षात धर्म के पालन करने वाले, धर्म को स्थापन करने वाले हैं। लेकिन उसमें सात गृहस्थ है, वो शिव जी है, उसकी वाइफ का कितना ध्यान रखता था हाँ पार्वती का, वो सभी क्या कहते हैं देवता लोग हैं, वो भी मानते हैं, बार बार ऐसे विष्णु चला जाता है क्या छोड़कर भक्तों की रक्षा करने को, तो लक्ष्मी अकेली होती है, तो फिर उसने ट्रिक लगाई, नारद मुनि तो रक्षा बांध देवे, फिर मुझे बोलेंगे क्या मांगना है, तो हम विष्णु को मांग लेंगे तो वो मांगते हैं कि अब तो मेरा भाई बन गया आप, तो मेरे को विष्णु दे दो फिर आचार्य की बात ऐसी है कि देखो भक्ति विनोद ठाकुर को कितने 11 बच्चे थे जी। एक बच्चा जो भक्ति सिद्धांत हमारा था वो संन्यास बन गया, लेकिन उसके सिवा सभी का शादी किया, तो शादी में क्या होता है, भाई बहन परिवार सभी को देना लेने का होता है, सभी को गिफ्ट देना होता है और सभी बहन की शादी भाई के ऊपर होती है कि बहन अच्छी तरह सेटल हो जाए जी। तो सभी आचार्य भी वो करते थे कि जो वो संन्यास नहीं लेते थे वो, तो गृहस्थ में तो सभी करता है, तो ये ड्यूटी भगवान कृष्ण ने शुरू किया है, मनु संहिता में है, ब्रह्म वैवार्त पुराण में है, तो उसमें मैंने पढ़कर सारा कुछ वर्णाश्रम सेमिनार में करा जो हम फ्यूचर में करेंगे राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चली आई, हम उसका फोगट करेंगे, नाश करेंगे तो भगवान को फिर से आना पड़ेगा रीस्टैब्लिश करने के लिए जी। है ना, तो आप जो खत्म करें उसके पहले कुछ राम के बारे में एक बात कहें। श्योर। हाँ, ये आप कलश देखते हैं ना जी, हाँ उसका मतलब क्या है कि भगवान आते हैं ना तो कितना वो इस्टैब्लिश किया है उसमें जी। भागवतम में हाँ, जब भी रामचंद्र अयोध्या में आते हैं, कृष्ण भगवान मथुरा द्वारका पृथु महाराज आते हैं राइट, फिर कल हमको प्रभु जी ने बताया कि वो लॉर्ड चैतन्य का वेडिंग था, तभी ऐसा होता है। तो ये कलश का मतलब कि इसमें गंगा जल होता है, फिर ये क्या नारियल है, फिर ये अम्रपत्ता है, ये बहुत ऑस्पिशियस लाता है, फॉर्चून लाता है, गुड लक लाता है, तो ये सभी के घर के आगे होता है हाँ? तो इसी कारण जो दिवाली में तो स्पेशली करना है जी? और जैसे कि अपने में डुबाई गई तो जैसे घर में आपको पता चलता है इधर रंगोली है और इधर तोरण है, पता चल जाता है कि साउथ इंडियन का घर है। फिर लास्ट टाइम हमने रंगों की रंगोली के बारे में बहुत बताया, तो उसमें परमानेंट रंगोली होती है कि क्या है, उससे फ्रीक्वेंसी निकलती है, ऑयल पेंट से जो बनता है हाँ, उससे हाई वाइब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आती है, हीलिंग फ्रीक्वेंसी, और अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इतना अच्छा है। आप तो देखते हैं अपना हाथी का प्रोसेशन होता है तो भगवान जी को लेकर जाते हैं, राधा माधव को बाहर बड़ी बड़ी रंगोली बनाई जाती है, तो उसका स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, अपलिफ्टमेंट है इसी कारण। और ये तोरण है वो नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तो ये और एक चीज है, रंगोली को देख के हमें बहुत प्रसन्नता होती हाँ। है, रंग देख करके, वो आकृति देख करके, इससे पता चलता है कि हम उस चीज से कहीं ना कहीं हमारा मन जो है उसे कनेक्टिविटी हमारी होती है हाँ। रंगों से हाँ। रंगों से वो चक्र से कनेक्टेड है ना? हमारा चक्र है, अभी तो 7 है लेकिन 13 होने वाला है, 13 चक्र खुलने वाला है ताकि आपको टेलीपैथी का आएगा, साइकिक आपको, क्योंकि गोल्डन एज में आ रहे हैं ना, तो फिर ये सभी वापस आने वाला है, सभी सिद्धि ऑटोमेटिक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
सो प्लीज मनाइए, करिए, फिर हमारा शो होगा, इसके बारे में हम और भी आगे बोलेंगे. वेरी नाइस. ठीक है ना. ये जो रंगोली है ना, साउथ इंडिया में हर रोज लगाते हैं. अच्छा. सिर्फ दिवाली पोंगल में नहीं, हर रोज होता है. हाँ. सिंपल होता है और वो वाइट में राइस फ्लोर में होता है. अच्छा. राइस फ्लोर में करने से वो जो कीड़ा कीड़ा एंट्स यस वो सब खाते हैं उसको. जी. तो सभी जीव को ध्यान रख के कुछ रिचुअल. ये आपने एकदम सही कहा माता जी, क्योंकि कल हमारा संडे प्रोग्राम जो होता है हमारा हिंदी कम्युनिटी का, तो उसमें मैंने खुद रंगोली बनाया, तो राइस फ्लावर से ही बनाया था और इमीडिएटली वहाँ पर बहुत सारी एंट्स इकट्ठा हो गई टू ईट. तो उससे पता चलता है कि उन लोगों को फीड करने के लिए ये एक रिचुअल है जो पहले के समय के लोग करते थे. तो इससे एक पायस एक्टिविटी हो सकती है, उसको मान सकते हैं कि हमारे यहाँ उसको कीड़ी नागरी बोलते हैं, मतलब कीड़ी जो कीड़ी होती है ना छोटी छोटी चीड़ियाँ, उनको खिलाएं ताकि उनका भी पेट भरे और उससे एक पुण्य एक अर्जित होता है. तो वी थिंक अबाउट अदर लिविंग एंटिटीज आल्सो. या दैट्स राइट. दूसरा जीव को भी हम ध्यान रखते हैं. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जिए. हाँ. बाकी लोगों को भी जीने दे. यही है आसुरी वर्णाश्रम, अपना सोचना. हाँ. और दैव वर्णाश्रम है सबको लेकर के चलना. और दूसरा देख है ना, हमारा ऋण है. हाँ. पांच का ऋण है, पांच तरह का. वो हमने लास्ट एपिसोड में बोला था. हाँ, वो बात की थी. हाँ, पांच ऋण को हमको पूर्ण करना है. इसी कारण तो चलो बहुत अच्छा शो हुआ. थैंक यू सो मच. तो मैं सभी स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, गांधारी माता जी को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन किया और इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि दिवाली कैसे मनाया जाता है और दिवाली मनाने के पीछे क्या स्पिरिचुअल रीज़न है, रीजन्स हैं क्या, हेल्थ रीजन्स हैं. हमें अपने अपने अलग अलग स्पीकर से हमें पता चला और आई थिंक गांधारी माता जी आपके लिए. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच माता जी. ये तो, आपके लिए. थैंक यू. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. बहुत माता जी आपके. एक्चुअली मैं कल एक कोटेशन पढ़ रही थी एक डिवोटी का, प्रभुपाद का नहीं, तो वो उसमें बोल रहे थे क्यों ना हम शुभ दीपावली बोलें एक दूसरे को, जो ज्यादा सुंदर लगता है. हैप्पी दिवाली कुछ वेस्टर्न सी फीलिंग आती है. हम लोग वैदिक अगर काल में पुनः लौटना चाहते हैं तो हम क्यों ना एक दूसरे को शुभ दीपावली बोले, ताकि सुनकर भी मन में प्रसन्नता हो और हम अपने वैदिक संस्कृति को और बढ़ावा दे सकें. एक्चुअली साल मुबारक कहते हैं. साल मुबारक में फिर यंग पीपल है वो बड़े का पैर छूते और ब्लेसिंग लेते और गिफ्ट मिलती है. अरे वाह. हाँ, इसलिए हम साल मुबारक. जी जी जी. नया साल आ गया ना. अच्छा, दिवाली तो चल गुजराती में नया. हाँ, ये आपने सही कहा. हमारे लिए बंगाली के लिए तो मार्च में आएगा. हाँ, वैष्णव कैलेंडर में जो गौर पूर्णिमा से नेक्स्ट डे. लेकिन अभी गौरवता तो नहीं मानते, लेकिन वैदिक कैलेंडर तो मानते है ना अभी तक. अभी तक इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन नया साल है, जो हमारी तिथि वैदिक कैलेंडर के ऊपर है. हाँ, और हमारे लिए नया साल है. लेकिन हमारे उधर मतलब मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम जिस उज्जैन से मैं हूँ, विक्रमादित्य राजा की नगरी है वो ही. हाँ, और वहाँ पे जंतर मंतर नाम से एक जगह है. हाँ, जहाँ पे वैदिक समय में जिस पद्धति से कैलेंडर पंचांग वगैरह देखा जाता था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा यंत्र लगा हुआ है. मालूम है, उसी से समय की गणना, काल की गणना इत्यादि सब की जाती थी. तो उसके हिसाब से वहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश में मैं अगर बोलना चाहूँ तो विक्रम संवत जो शुरू होता है वो इसी टाइम से शुरू होता है, 2080 जैसे कि चल रहा है अभी, है ना. तो नया साल है, इसलिए सभी को साल मुबारक. वेरी नाइस. आप सभी को और सभी मायापुर टीवी के दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दीपावली पर्व की और नववर्ष की. तो बहुत ही हमारा सुंदर आज का ये जो सफर रहा, आज का एपिसोड रहा, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आए. और अगर इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में हो, क्योंकि मैं बोलना भूल गई आपसे कि अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर प्रश्न भेज सकते हैं. हमें बहुत खुशी होगी उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करके. यस माता जी. यस, एक बुक है. इज दैट अवेलेबल इन द अमेज़न और समथिंग? नहीं, डायरेक्ट फोन पर से. ओके. अगर आप दिवाली से जुड़े हुए प्रश्न या जिज्ञासाएं आपके अंदर है कि वैदिक सनातन संस्कृति में दिवाली किस तरह मनाया जाता है, तो उसी नंबर पर आप कांटेक्ट करके, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसी नंबर पर कांटेक्ट करके ये बुक भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं.
तो मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूँगी। नेक्स्ट वीक पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय पर। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय गौर प्रेमानंदे।